वोट किसको दिया तूने? कैडी को। कैडी को? कैडी जीत जाएगा हैं? कमल धम धम धम। नमस्कार दोस्तों, तो कैसी है मेरी पहाड़ी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। सबसे पहले आपको प्यारी सी गुड मॉर्निंग। मैं सबसे पहले आपको मॉर्निंग के नज़ारे दिखाता हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं जा रहा हूँ कसैली मार्केट को दूध पहुँचाने। उसके बाद जाएंगे काम पे, सुबह काम होगा और उसके बाद चुनाव भी है यहाँ पर 14 फरवरी, तो वोटिंग के लिए जाना है। उसके बाद तो बहुत कुछ होने वाला है दिन पे। तो चैनल में पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करेगा हमारे ऐसे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के लिए। तो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, दिन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मॉर्निंग मौसम दिखाता हूँ, काफ़ी शानदार नज़ारे आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों ब्लॉग स्टार्ट करते हैं अपना। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं रोड पे, पहुंच जाता हूं डेयरी पे। ये मेरी दूध की बाल्टी है और सामने जो आप ये एरिया देख रहे हैं, ये है कसैले मार्केट। बाकी नज़ारे कुछ इस प्रकार आ रहे हैं सुबह के टाइम में। हल्का हल्का कोहरा जो कल रात को आया था, अभी भी उसकी झलक देखने को मिल रही है। धूप आई तो है लेकिन धूप काफ़ी हल्की महसूस हो रही है अभी। तो ये है नज़ारे अभी सुबह के टाइम में। मैं पहुँच जाता हूँ डेयरी पर, अपना दूध फिलअप करते हैं। उसके बाद जाना है मैंने चखुटा, यहाँ पर सामने में चखुटा। सुबह के टाइम में थोड़ा काम करते हैं और उसके बाद निकलेंगे दिन में वोटिंग के लिए। तो चलते हैं दोस्तों डेयरी। दूध फिलअप कर दिया है, सामने देखिए इतनी केन यहाँ पर भर चुकी है दूध की। और सामने जो व्यू आ रहा है देखिए मुक्तेश्वर घाटी में, क्या शानदार नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। एकदम कोहरा ऐसा लग रहा है, प्रकृति एकदम आसमान नीचे उतर आया है, बादल नीचे उतर आए हैं। दिखाई कुछ भी भले ही ना दे रहा हो लेकिन जो अभी कोहरा दिखाई दे रहा है उसका जो व्यू आ रहा है जंगलों के बीच में, काफ़ी शानदार व्यू देखने को मिल रहा है। और आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। जो ये रोड देख रहे हैं ये है मेन रोड मुक्तेश्वर रामगढ़ रोड। और कसैले मार्केट में भी सुबह के समय में काफ़ी सुनसानी वाला मामला बना हुआ है, क्योंकि आज वोटिंग है, सभी लोग अपने चुनाव में जाएंगे, वोट देने जाएंगे। तो दोस्तों आपने कसैली मार्केट के नज़ारे देखे, काफ़ी सुनसानी हुई है आज क्योंकि वोटिंग है, दुकानें भी अच्छे से खुली नहीं हैं, इक्का दुक्का दुकानें खुली हुई हैं। तो लगभग सभी लोग यहाँ पे वोट देने के लिए अभी गए हुए हैं। सुबह लगभग 8 बजे से ही वोटिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, शाम को 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तो मैं भी चल दिया हूँ चखुटा की तरफ को। सुबह के टाइम में थोड़ा बहुत काम करते हैं, थोड़ा बहुत पत्थर का ढुलान है वो करवाते हैं, तो फिर दिन में के समय में 1-2 बजे के समय में हम लोग भी चलेंगे वोट देने के लिए। तो पहुंच जाता हूं चखुटा। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं चखुटा, और चखुटा से जो नज़ारे आ रहे हैं अभी सुबह के टाइम में देखिए, शानदार व्यू देखने को मिल रहा है। आज शांति काफ़ी लग रही है पहाड़ों पे और व्यू भी काफ़ी शानदार आ रहा है। तो इसके बाद मैं आपको काम दिखाऊंगा, काम क्या हो रहा है यहाँ पर। और ये है वो साइड जहाँ अभी हो रहा है काम, पीछे रिटेनिंग वॉल की जो चिनाई हुई कल मैंने आपको दिखाया, अभी भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इतनी यहाँ पर रिटेनिंग वॉल की कल चिनाई हुई है, ये पूरा जो एरिया है ये कवर करना है ताकि ये बाद में खिसकने का डर इसका बंद हो जाए। और जिस प्रकार यहाँ पर दीवार बनी हुई है इसी प्रकार यहाँ पर भी दीवार बनेगी, तो एक ऊपर का लेवल निकल जाता है और ज़मीन भी इनके खिसकने से बच जाती है। तो ये काम चल रहा है, इतना पत्थर यहाँ पर स्टॉक कर दिया है, अभी भी रोड से पत्थर लाया जा रहा है जो यहाँ पर स्टॉक किया जा रहा है। आज रिटेनिंग वॉल की चिनाई बंद है क्योंकि आज यहाँ वोटिंग भी है और मिस्त्री जी भी नहीं आए हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार यहाँ पर कल काम हुआ, जो आज काम हो रहा है यहाँ पर पत्थर स्टॉक किया जा रहा है रोड से। और फिर से धूप आ चुकी है, अभी थोड़ी देर पहले छाया आ रही थी, बादल आए हुए थे, तो कभी धूप कभी बादल छाया सुबह से लगी हुई है। और देखिए नीचे रोड से पत्थर लाया जा रहा है यहाँ। दोस्तों अभी हो रहा है समय दोपहर का 1 बजे और मैं पहुँचने वाला हूँ घर पर, तो लंच करते हैं, मम्मी ने खाना बना रखा होगा तो लंच करते हैं। उसके बाद दीपू भाई और मैं जाएंगे वोटिंग के लिए, वोट डालने जाएंगे, उसके बाद फिर चलेंगे चखुटा साइड पे। जो मेरे पीछे आप ये वादियाँ देख रहे हैं पीछे, लगभग उससे भी पल्ली तरफ से मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, काफ़ी थकान हो चुकी है, भूख भी बड़ी जोरों की लग गई है। तो चलते हैं घर पे। तो पहुँच जाता हूँ घर में, ये है दोपहर में मस्त नज़ारे जो अभी आ रहे हैं। बादल आए हुए हैं आसमान में, धूप काफ़ी हल्की आई हुई है, काफ़ी हल्की महसूस हो रही है। और नीचे बढ़िया गेहूँ यहाँ पर हो रखे हैं, और इस बार की जो बर्फ़बारी बरसातें हुई हैं इस बार काफ़ी बढ़िया हो गया है खेतों के लिए। और जो नीचे सारे खाली खेत देख रहे हैं इनमें लगाए जाएंगे आलू, और सामने में मटर के लिए भी
बढ़िया हो गया है। और सामने की तरफ नज़ारे देखिए, वहाँ अभी भी बर्फ़ है। देखिए अभी लगभग 1 बज रहा है, तो 2 बजे से लगभग वहाँ पर धूप चली जाती है और उसके बाद फिर वहाँ पर ठंडा बहुत होता है क्योंकि ऊंचाई वाला क्षेत्र है। तो दोस्तों लंच कर लिया और लंच करने के बाद अभी हम जा रहे हैं, पीछे से दीपू भाई भी आ रहा है। देखिए हम लोग जा रहे हैं अभी वोटिंग के लिए, पास में ही हमारे गांव में ही है पोलिंग बूथ, तो वहीं पर वोटिंग हो रही है, तो वोट दे के आते हैं उसके बाद फिर चलेंगे चोकोटा साइड पे। और अभी आपको दिखाता हूँ कि क्या माहौल यहाँ पर हुआ है। अभी मस्त एक जंगल से होते हुए जा रहे हैं हम, अभी आपको दिखाता हूँ मैं क्या मस्त व्यू आ रहा है जंगल का। तो पहुंच जाता हूं, ये जो रास्ता है सीधे वहीं पर जा रहा है और मैं आपको दिखाता हूं यहां से जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं दोस्तों, यहां पर चुनाव हो रहा है, यहीं पर हमारे गांव का पोलिंग बूथ है। और नीचे देखिए यहां पर है जोस्टल आपका, तो चलते हैं वहां पर। तो ज़्यादा भीड़ भी नहीं लगी हुई है, गाँव में ही अपने वोटिंग हो रही है और लगभग हमारे गाँव में 420 से 430 वोट हैं, तो लगभग अपने अपने हिसाब से आ रहे हैं लोग और वोट दे के अपने अपने हिसाब से और अपने कामों को जा रहे हैं। तो पहुंच जाता हूं वहां पे, वोट दे के आते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया हूं अपने पोलिंग बूथ सेंटर में और ये हमारा स्कूल है, गांव का प्राइमरी स्कूल, और यहीं पे वोटिंग की जा रही है। बड़ा शांत माहौल है यहां पे, लोग अपने हिसाब से आ रहे हैं और वोटिंग करके जा रहे हैं। देखिए बहुत कम लोग दिखाई देंगे, सुबह 8 बजे से वोटिंग यहाँ पर स्टार्ट हो गई थी और शाम को 6 बजे तक है। चिराग समोसा दे दे मेरे को। कहाँ ले जा रहे हैं दोस्तों? हमने वोटिंग कर लिया और सभी लोग अभी घर को जा रहे हैं, साथ में मेरा भाई पंकज, मेरा फ्रेंड और उसका लड़का है वो छोटा सा, जिसके साथ अभी मस्ती कर रहा था, तो उसको किसी ने परेशान कर दिया तो तब थोड़ा बहुत मूड खराब हुआ है उसका। चिराग, चिरागो समोसे किसको खिलाएगा बता दे। इसको पकड़े रहना, इसको मेरे से भी खतरा नहीं है और तेरे पापा से भी नहीं है, बाकी सबसे खतरा है। देखा जी मैं लो, मैं फिर समोसे दिखा दे, इसे हाथ में निकाल के उसको दिखा दे, समोसा फोटो खींच रहे ना, समोसा दिखा दे इसको बगैर। कौन खाएगा चिराग? मेरे को नहीं देगा? मुझे भी नहीं। और क्या है, और क्या है दिखा? टॉफी भी है, बहुत कुछ है तेरे पास तो। चौको गोली ये। बहुत चीज लाया। किसको देगा चिरा? वोट किसको दिया तूने? कैडी को। कैडी को? कैडी जीत जाएगा हैं? कमल धम धम धम। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं चौखुटा पे वोटिंग के बाद और मेरे पीछे है हमारे सैम जी का मंदिर। और अभी मौसम पूरा पैक हो चुका है, कोहरा आ चुका है, पहाड़ों का मौसम समझ में नहीं आ पाता है। सुबह अलग ही मौसम था, अभी अलग ही मौसम था, इसीलिए पहाड़ों का मौसम बहुत अलग होता है। तो चलते हैं साइड पर और देखते हैं यहाँ पर कितना काम अभी हो रहा है, क्या काम अभी कर रहे हैं, तो और शाम तक कितना काम यहाँ पर हो पाता है। तो साइड पर चलते हैं और आपको काम दिखाता हूँ, और पहले मौसम दिखाता हूँ कैसा मौसम अभी बन गया है। तो दोस्तों अभी शाम के 6 बजने वाले हैं और मैं पहुंच चुका हूं घर पे, अभी जा रहा था नौले पानी भरने के लिए, घर पे पहुंच चुके थे काम से आ गई, तो मैं अभी पानी भरने जा रहा हूं नौले पे, क्योंकि घर पे भी पहुंच गए तो थोड़ा बहुत टाइम है, अभी घर का काम कर लेते हैं क्योंकि हम ही लोगों ने करना है और कोई है नहीं, तो घर का काम कर देते हैं। मैं चलता हूं नौले और आपको दिखाता हूं, पहले नज़ारे दिखाता हूं। एकदम कोहरा छा चुका है पहाड़ों पे, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है आसपास, कुछ भी एकदम दिखाई देना बंद हो रहा है। तो पहले आपको नज़ारे दिखाता हूं फिर आपको नौले घुमा के लाता हूं पहाड़ों। तो दोस्तों ये है मेरा पानी का कनिस्तर जिससे मैं पानी भर के लाऊंगा नौले से, और अभी व्यू देखिए कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा, व्यू तो क्या कहूँ मैं, पूरा कोहरे से पैक हो चुका है, सभी देखिए
तो अभी चल रहा हूँ खेतों से, रास्ता है और सामने देखिए मूलिया हुरखी मस्त ऑर्गेनिक। और काफ़ी शानदार नज़ारे लग रहे हैं अभी खेतों में, नीचे सभी कुछ बो दिया है यहाँ पे, और आसपास तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, बाकी और नज़ारे बेहतरीन आ रहे हैं। तो चलते हैं नौले की तरफ। फ्रेंड मैं पहुँच चुका हूँ नौले और पानी यहाँ से भरते हैं, सामने में भाभी भी आई है यहाँ पर पानी भरने के लिए। तो ऐसे ही हम यहाँ पर पहाड़ों में नेचुरल जो हमारे पानी के स्रोत हैं ऐसे ही पानी ले जाते हैं शाम को पीने के लिए। तो दोस्तों पानी भर के आ गया और मम्मी यहाँ पे बना रही थी गाय के लिए थोड़ी घास, तो वो भी घर पे ढोल लेते हैं थोड़ा। और पूरा कोहरा आ चुका है, देखिए पूरा पैक हो चुका है मौसम, कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया है। तो मम्मी ने ये कर लिया काम, तो मैं इसको ले जाता हूँ यहाँ से। तो दोस्तों फाइनली घर में आके भी काम बहुत हो गए हैं, मम्मी की अभी हेल्प होगी थोड़ी बहुत, और दिन भर भी बहुत काम होता है, काम चलना वलना हमारे यहाँ लगभग दिन भर हम 3-4 किलोमीटर 5-7 किलोमीटर ऐसे ही चलते होंगे। तो अब ब्लॉग भी एडिट करना है, 2-3 घंटे 3-4 घंटे उस पर लगने वाले हैं। ब्लॉग आएगा सुबह 8:30 बजे। वीडियो अगर आपको इस चैनल की पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और सपोर्ट जरूर करिएगा। तो मैं बेहतरीन नज़ारे शाम के समय में एक बार और दिखा देता हूँ। नज़ारे तो क्या कहूँगा मैं, कोहरा छाया हुआ है पूरा, फिर भी पहाड़ पहाड़ होते हैं, मस्त अभी फील हो रहा है, ठंडा ठंडा भी लग रहा है थोड़ा। तो मैं एक बार व्यू दिखाता हूँ आपको शाम के समय में अपने घर से, तो उसके बाद ब्लॉग एडिट करते हैं, मिलते हैं अपने कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए जय हिंद, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा।